Let's begin with Constitution chapter. Features of Constitution JK pucha jana hai, which is not correct. Out of the following features, which feature is not hum kahenge ke feature is not correct according to Indian Constitution. Ya fir right in sequence order. सीक्वेंस ऑर्डर में यू शुड नो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्मड इन 1946 बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी. अब पूछा जाए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो असेंबली दैट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्मड इन 1946. बी.आर. अंबेडकर बने इसके चेयरमैन. ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई उन्होंने. ड्राफ्टिंग कमेटी वाज गिवन द टास्क टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. बी.आर. अंबेडकर बिकेम द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली. बी.आर. अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे. वेयर एज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब बी आर अम्बेडकर विद हिज मेंबर्स, सेवन मेंबर्स साथ में थे, तो उन्होंने ही प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर दिस ही रेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज. उस टीम ने दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा. व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज बैग ऑफ बोरोइंग, बिकॉज अवर फ्रेमर्स बोरोड द बेस्ट फीचर्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल सोशलिज्म का आइडिया कहाँ से लिया, रशिया. तो इस वजह से हम कहेंगे कि इंडियन हमारे फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, अडॉप्टेड द बेस्ट फीचर्स एंड देन दे प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया. पब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशन इन द लीडिंग न्यूज पेपर्स. आस्क पीपल टू गिव सजेशंस. पीपल गेव सजेशंस. अवर फ्रेमर्स मेड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सजेशंस गिवन बाय द पीपल. And then they gave the draft constitution to Constituent Assembly in 1948. Gave to Constituent Assembly in 1948. 48 में दे दिया था. For 1 year, debates and discussions were held in Constituent Assembly. Each and every clause of the constitution was read. So, Constitution was ready, adopted by Constituent Assembly on 26 November 1949. Means drafting committee ने कब दिया? 48 में. कितना time debates and discussions हुए? 1 year. फिर 26 November 1949 को Constitution was ready. But our framers gave it to Indian nation on 26 January 1950. अब ये सारे इवेंट सीक्वेंस ऑर्डर में आपको गलत ऐसे लिखते दिए जाए तो यू कैन राइट. आप ऐसे सारे जैसे मैं बोल दूं कि gave the draft constitution to Constituent Assembly. Constituent Assembly was formed. फिर आपको पूछा जाए adopted by Constituent Assembly. Published in leading newspapers, gave it to Indian nation. अब आप बताओ नंबर वन पे क्या है? Constituent Assembly was formed. Then published in the leading newspaper. Then draft constitution was given to assembly. Then constitution was adopted by assembly. क्योंकि वो 26 नवंबर 1949 को हुआ. Gave it to Indian nation. 26 January 19. By our framers waited for 2 months. क्या उन्हें कोई सुटेबल डेट नहीं मिल रही थी इंप्लीमेंट करने में? क्या भी कुछ फीचर्स रहते थे? क्या वो किसी चीज को किसी डेट को ऑनर करना चाहते थे? दैट वाज प्लेज्ड बाय पंडित नेहरू. ऐसा क्या रीजन था? दे वांटेड टू गिव ऑनर टू द डेट दैट वाज प्लेज्ड बाय पंडित नेहरू एट लाहौर सेशन एज इंडिपेंडेंस डे. Pandit Nehru pledged during Lahore session in 1929, in December 1929, that
26 January 1930 would be celebrated as Independence Day in the whole of India. But वो Independence Day नहीं बना था. So that's why framers wanted to give honor to the day that was placed by Pandit Nehru as an Independence Day. तो एक तो ये याद रखना. Apartheid was followed in South Africa. तो साउथ अफ्रीका में आपको ये भी सीक्वेंस में पूछा जा सकता है. साउथ अफ्रीका के इंसिडेंट देख के भी पूछा जा सकता है. राइट इन सीक्वेंस ऑर्डर. सबसे पहले तो अपार्थाइड, देन एएनसी वाज फॉर्म, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म, नेल्सन मंडेला वाज अरेस्टेड, ठीक है, एंड स्पेंड ही वाज सेंट बिहाइंड बार्स फॉर 28 इयर्स. He released from the jail in 1992. He decided to prepare draft constitution for South Africa. He decided to frame constitution for South Africa. So it took 2 years. South Africa became republic in 1994. अब यही वाले टॉपिक सारे आ जाएं. आपको आए Nelson Mandela was released from the jail. फिर Nelson Mandela was released from the jail. South Africa became republic. ANC was formed. Nelson Mandela was arrested. ANC was formed. Nelson Mandela was arrested. He was released then, and then South Africa became republic. अगर ये आपको आपने serial order में किया होगा सारा तो you can write. ANC 1957 में ही बन गई थी. नेल्सन मंडेला मुझे लगता है 64 में रेस्ट हुआ है. 64 में हुआ ना, चेक करो. माइनस 1992 में से ना 28 माइनस कर, 64 में रेस्ट हुआ है. तो 64 आप बाद में लिखते जाओगे, इस वजह से आप लर्न करना है इसको, ठीक है. नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सीबल. अब ऑप्शंस हैं, वी कैनॉट मेक चेंजेस इन इट. फिर मैं बोलूं ओनली पार्लियामेंट कैन मेक चेंजेस इन इट, प्रेसिडेंट कैन मेक चेंजेस इन इट, इट नीड्स द अप्रूवल ऑफ बोथ द लेवल्स. इट नीड्स द अप्रूवल ऑफ बोथ द लेवल्स. दैट्स व्हाई इट्स पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल, बिकॉज चेंजेस कैन बी मेड बट इट इज नॉट एन इजी प्रोसेस. ये नहीं है कि जिसका दिल करे कि प्राइम मिनिस्टर पावर में है तो प्राइम मिनिस्टर का दिल किया तो चेंजेस कर दो, प्रेसिडेंट का दिल किया चेंजेस कर दो, ऐसा नहीं है. उन्होंने लोगों के लिए सोचा. It needs approval of both the levels. 50% of states की approval चाहिए होती है उनको. अगर अब मैं बोलूं कि Indian Constitution is the lengthiest Constitution in the world, तो इसमें अगर आपको पूछा जाए कि क्यों ये lengthiest है, क्या इसमें schedules ज्यादा है, क्या इसमें amendment acts ज्यादा है, क्या इसमें articles बाकी countries से ज्यादा है, कहा अमेरिका के 7 है तो इंडिया के 448, कितना फर्क है, 448 आर्टिकल्स. जब बना था तो 395 थे, जैसे जैसे आ गया के अकॉर्डिंग टू द चेंजेस बढ़ते गए, क्योंकि हम खुद ही कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड है पार्टली, तो चेंजेस हो रहे हैं. इट्स नॉट अ क्लोज्ड बुक, ये क्लोज्ड बुक नहीं है, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट. अगर ये क्लोज बुक होती तो उसमें फिर चेंजेस नहीं होने थे. इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ये भी पूछा जा सकता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, व्हाई, ऐसा क्यों, बिकॉज चेंजेस कैन बी मेड इन. अगर मैं पूछूं सॉवरेन मींस नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नो गवर्नमेंट रिच एंड पुअर, इंडियन गवर्नमेंट कैन मेक इट्स कैन टेक इट्स डिसीजन इन एन इंडिपेंडेंट वे. Its decision in an independent way. Socialist. India is a socialist country. No discrimination on the basis of religion. People are free to follow any. हम कहेंगे कि people are free to take their decisions. There is no gap between rich and poor. No gap between rich and poor. Constitution make India a democratic country. फिर इसमें अगर मैं बोलूं पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट,
powers are in the hands of Prime Minister, powers are in the hands of Parliament, powers are in the hands of people. Powers are in the hands of people. People can elect their representatives according to their choice. तो इस वजह से आपको फीचर्स देखे, जो फीचर्स है ना उन्हीं में से कॉन्स्टिट्यूशन मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री बिकॉज इन इंडिया वी हैव वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया देयर इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया वी हैव फोर मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट फोर मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट तो दिस मेक इंडिया ए फेडरल कंट्री तो इस वजह से आपको फीचर्स ही पूछे जा रहे हैं यहाँ फिर फीचर्स देके एक गलत दिया जाना है तो उसमें से आपको खुद सिलेक्ट करना है तो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब इसमें अगर मैं पूछू ज्ञानी जैल सिंह फिर मैं पूछू पंडित जवाहरलाल नेहरू बलदेव सिंह बताओ इनमें से कौन नहीं है ज्ञानी जैल सिंह वो मेंबर नहीं है ठीक है अगर मैं पूछू वुमेन प्रतिभा पाटिल इंदिरा गांधी दुर्गाबाई देशमुख कौन मेंबर थी दुर्गाबाई एक और मेंबर थी वुमेन मेंबर सरोजनी नायडू सरोजनी वाज वन ऑफ द वुमेन मेंबर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना टाइम लगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं बिकॉज नॉट गिवन इन द बुक 2 years 11 months 18 days यानी हुआ तो नहीं पूछेंगे फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो इस वे से आपको कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर प्रिपेयर करना डेमोक्रेसी कितनी बार रिवाइज हो चुका है डेमोक्रेसी के फीचर्स देके गलत देके पूछा जाना है फिर आपको कौन सी कंट्री में 1 person 1 vote 1 value सिस्टम इज नॉट फॉलोड You know it very well. Restoring and teaching. हाँ क्या ये पूछा जा सकता है कि वुमेन के वोट की वैल्यू कहाँ पे कम है माइनॉरिटी जो रशियन माइनॉरिटी है उनको कहाँ पे इक्वल है एस्टोनिया फिर आपको पूछा जा सकता है कि इंडिजीनियस पीजी जो है उनके वोट की वैल्यू ज्यादा पीजी तो इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है रूल ऑफ लॉ कहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे जिम्बाब्वे कहाँ पे लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं है इन विच कंट्री प्रेसिडेंट कैन चेंज पावर्स प्रेसिडेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन लेस अकाउंटेबल अब इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर 6 years पीआरआई की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी अब मैक्सिको की जो पार्टी है दैट यूज प्योर मेथड्स और डर्टी मेथड्स टू विन द इलेक्शंस चाइना में कैंडिडेट को कंटेस्ट करने से पहले इलेक्शंस किससे परमिशन लेनी होती है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शंस क्या चाइना इज अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री नो इंडिया इज अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री यस जिम्बाब्वे इज अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री No, Mexico, no, Pakistan, nein. India is a true democratic country because in India, our government follow all the features of the democracy. Best features, jo bhi hai, our government is following in India. So, is way se aap bata sakte ho. Next, kahan pe two famines aaye 1958 to 61, China. So, India mein famines aaye, you know, when China was facing food shortage problem, does India, did India was also facing? No. Because in India, multi-party system, तो multi-party system में क्या होता है parties always try to blame each other. आप देखते हो कैसे ये एक दूसरे को blame करती है कैसे opposition party always आप कहोगे कि हमेशा उसको होता है कि always try to blame ruling party. Force the ruling party to fulfill its promises. तो it means कहीं ना कहीं हमारी जो parties हैं वो accountable है answerable है because they have to face people in the नेक्स्ट इलेक्शन तो ये डर उनके सिर पे हमेशा रहता है कि हमें नेक्स्ट इलेक्शन में लोगों ने वोट नहीं डालने तो दैट्स वाई हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दे आर अकाउंटेबल आंसरेबल हमारी डेमोक्रेसी भी ऐसी अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव लेजिटिमेट पता ना विच एक्ट मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल आरटीआई
right to information act. According to this act, people have full right to know about the functioning of the government. तो इस वजह से हम कहेंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी की क्या इंडिया की इंडिया में जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट मीडिया इज टोटली इंडिपेंडेंट इन इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ रूलिंग पार्टी टोटली इंडिपेंडेंट इन इंडिया मीडिया इज टोटली नेपोलियन ने मीडिया को अपने अंडर किया हिटलर ने मीडिया अपने अंडर किया नेपोलियन ने भी किया था नेपोलियन ने लोगों पे टैक्सेस लगाए थे दो इंट्रोड्यूस सिविल कोड्स बट ही इम्पोज टैक्सेस ऑन पीपल उसने बहुत सारे टैक्सेस लगाए थे उसने मीडिया की फ्रीडम ले ली थी मीडिया की फ्रीडम पे बैन लगाए थे और साथ में उसने टैक्सेस लगाए तो कुछ एरियाज में नेपोलियन को लोगों ने लाइक ही नहीं किया दो इंट्रोड्यूस सिविल कोड हम कहते हैं ही वाज लाइक बाय द पीपल ऑफ फ्रांस साथ में उसने फोर्स रिक्रूटमेंट भी फॉलो की थी फोर्स रिक्रूटमेंट बिकॉज ही अटैक्ड यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं ना यूरोपियन कंट्रीज फॉर द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस हम खुद ही तो कहते हैं उसने अटैक नहीं किया था यूरोपियन कंट्रीज पर फ्रांस की टेरिटोरियल एक्सपेंशन बढ़ाने के लिए हिटलर ने भी बढ़ाई थी जर्मनी की टेरिटोरियल एक्सपेंशन बिकॉज वो किसके लिए लैंड ज्यादा एक्वायर करना चाहता था प्योर ब्लडेड जर्मन के लिए तो इस वजह से इसने भी क्या किया नेपोलियन ने ही अटैक यूरोपियन कंट्रीज फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन उसने फोर्स रिक्रूटमेंट होती क्या जबरदस्ती लोगों को जैसे कॉमन पीपल है उनको जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करना क्योंकि आर्मी कहाँ से आएगी लोगों को जबरदस्ती बनाते थे इंडिया में जब ब्रिटिश आए ना तो ब्रिटिश ने इंडियन पीपल इंडिया की तो कोई एनमिटी थी नहीं किसी कंट्री के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई है तो इंडिया हैड नो एनमिटी विद एनी कंट्री इंडिया को सिर्फ पनिशमेंट क्यों मिली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वाई इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश द ब्रिटिश फॉलोड फोर्स रिक्रूटमेंट उन्होंने इंडियन पीजेंट्स वर्कर्स को वार लड़ने भेजा जबरदस्ती तभी इंडिया में जितने यंगस्टर थे सब उन दिनों कोई भी घरों में यंगस्टर नहीं बचे थे घरों में कौन रह गए थे सिर्फ बूढ़े बच्चे एंड वुमेन तो इंडिया में इतनी डिस्ट्रक्शन हुई थी क्योंकि ब्रिटिश फोर्स इंडियन peasants and workers to fight war on the behalf of British. और बाद में प्रॉमिस किया कि आफ्टर वार ब्रिटिश वुड इंट्रोड्यूस चेंजेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस तो किए नहीं मोर स्ट्रिक्ट हो गए थे जितना लॉस उन्हें ब्रिटेन में हुआ ना इस वार से सारी रिकवरी इंडिया से इंडिया का वेल्थ किधर चला गया इंडिया वॉज नोन एज गोल्डन स्पैरो किधर गया वो सारा वेल्थ ड्रेन टू ब्रिटेन सारा ब्रिटेन चला गया क्योंकि उन्होंने सारी इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर वार कहां से की इंडिया इंडियंस पे जो इनकम टैक्स हम भरते हैं तभी ब्रिटिश ने लगाया था इतने टैक्सेस इंडियन लोगों पे लगाए ना चाहे लोग नहीं दे पाते थे बट दे फोर्स पीपल टू पे टैक्सेस तो इस वजह से सब कुछ होता है नेपोलियन ने भी सब कुछ किया लोग लाइक नहीं करते होते थे ऐसे हिटलर को कहां लोगों ने लाइक किया डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे लोगों को सुना जाता पावर्स ही लोगों के हाथ में है हमारे यहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा लॉ पास करता है विच इज नॉट इन द फेवर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल तो क्या आप मानते हो कि वो लॉ पास हो जाएगा नहीं होएगा कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिक्लेयर दैट जुडिशरी उस लॉ को क्या डिक्लेयर कर देगी जुडिशरी कैन डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल चाहे गवर्नमेंट पास कर दे लॉ को तो जुडिशरी के पास राइट हम खुद ही तो कहते हैं जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कोर्ट इंटरप्रेट कर सकती है ओनली जुडिशरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन तो जुडिशरी कैन डिक्लेयर दैट लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ये नहीं है जो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया और वो पास ही होना है ये जरूरी नहीं है अगर मेजोरिटी फेवर में नहीं है क्योंकि रूल किसके हाथ में है इंडिया में कौन रूल कर रहा है मेजोरिटी ठीक है हम मेजोरिटी को यहाँ पे ये लेते हैं कि जो पार्टी मेजोरिटी शो करे क्योंकि जो पार्टी मेजोरिटी शो करेगी वही रूल करेगी ना क्या मेजोरिटी किसी रिलीजन के नाम पे बनी है कास्ट के नाम पे बनी है नो एवरीवन कैन बी द पार्ट ऑफ मेजोरिटी यहाँ पे हिंदू सिख बच्चे बैठे हैं कल को बड़े हो जाएंगे सब यही पार्टी का पार्ट बनेंगे एवरीवन कैन बी द पार्ट ऑफ मेजोरिटी वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कास्ट रिलीजन लैंग्वेज कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है एवरीवन कैन बी द पार्ट ऑफ मेजोरिटी अब ये पता चला ऐसी है हमारी गवर्नमेंट तो नेक्स्ट इज
अगर आपको फ्रांस में से आ जाए, फ्रांस के क्वेश्चंस आ जाए तो कैन यू डू? फ्रांस में से अगर कोई प्रॉब्लम आए, फ्रांस में से आपको सीक्वेंस ऑर्डर में आए तो दैट विल बी वेरी इजी, क्योंकि फ्रांस चैप्टर आपको डेट वाइज ईयर वाइज लर्न है ना, डेट वाइज एंड ईयर वाइज लर्न है ना. मैच द कॉलम आ जाए तो यू कैन डू, कर सकते हो ना, मैच द कॉलम भी कर सकते हो. फ्रांस के सारे इवेंट्स जिस बच्चे को पता है तो उसको इस चैप्टर में आप प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. एक मिनट में ही बोलू, जैसे मैं बोलूँ लुई सिक्सटीन, नेपोलियन, रॉबर, मैं नाम ही बोल रही हूँ सर, रॉबर्टस्पियर, ब्रैकली, लू, बताओ नंबर वन पे कौन आया, टू पे कौन आया, थ्री पे कौन आया, फोर पे कौन आया, जिसने पढ़ा ही उसका नंबर वन पे नेपोलियन भी हो सकता है. इवेंट्स आने आपको ईयर एंड डेट वाइज सब कुछ नॉलेज होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सबसे पहले तो रूलर कौन बना? लुई सिक्सटीन. इन विच ईयर बिकेम द रूलर? 1717. मैरी एंटोनेट किस कंट्री की थी? ऑस्ट्रिया. तो कितनी इयर्स का था तो मैरिज हुई थी? 20. तो क्या जब ये रूलर बना ट्रेजरी जो मिली थी दैट वाज एम्प्टी ट्रेड. किसकी हेल्प की? सेवन कॉलोनीज ऑफ अमेरिका इन देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. पॉपुलेशन पता नहीं चाहिए कितने परसेंट, कितना, कौन कौन से टैक्सेस थे. एक तो था हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स, अगर पूछे तो पहले अगर हम पूछे कि किस कमोडिटी पे टैक्स देते थे तो वो कौन सी कमोडिटी थी? तंबाकू एंड सॉल्ट. देखो बुक में क्या क्या दिया हुआ है ना. आप कमोडिटीज उनकी पढ़ना, आप उनके पोर्ट्स के नाम पढ़ो. पोर्ट्स के नाम आपको पता होने चाहिए कि कहाँ के पोर्ट्स है, नेंटेस, बॉडियर्स, कहाँ के पोर्ट्स है, अमेरिका के हैं कि फ्रांस के हैं. नेंटेस एंड बॉडियर्स कहाँ के पोर्ट्स के नेम है? एक मिनट मुझे खुद ही बताओ, आपने अमेरिका चैप्टर पढ़ा तो फिर आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? आपको अमेरिका का पूरा क्वेश्चन कोई पूछेगा कहाँ के पोर्ट्स हैं ये? तो इस वे से आप अपना सारी रीडिंग करो, क्लियर? तो साथ में इनका वो जो उसमें प्रॉपर डेट्स वाइज है, जब मीटिंग बुलाता है लुई सिक्सटीन, 5 मई 1789, फिर 20 जून को क्या हुआ, थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द मीटिंग 1789, बेस्टाइल फोर्ट 14 जुलाई 1789, फिर फायर डिक्री 4 अगस्त 1789. कितने साल बाद मीटिंग बुलाई गई? कौन से ईयर में पहले मीटिंग हुई थी? 1614. Who called the meeting then? Ancestors of Louis 16. Napoleon belonged to Bourbon dynasty. No, he was outsider. Napoleon belonged to Bourbon dynasty. मैंने ये पूछा. He was outsider. Earlier he was military dictator. Later he became the ruler of. He reintroduced दो याद रखना, slavery and monarchy. He was liked by the people of France because he issued civil code. आपको dislike वाला नहीं पूछा जाएगा because that's not given in your book. नहीं ना दिया हुआ dislike क्या लोगों ने? I think 10th में पढ़ोगे जब आप. Napoleon को लोगों ने like नहीं किया था. अभी आप इतना ही करते हो कि he was not liked by the people of France. क्यों नहीं लोग इसे like कर? He was liked by the people of France because of his civil code. Guilds के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि आपने उसके codes में पढ़े हुए हैं. Guilds का meaning association of traders. Association of traders. तो इस वजह से Napoleon का year पूछा जा सकता है. 1804. He was sent to which island as a prisoner? Period of reign of terror. How many directors were there in Britain? सारा तो टिप्स पे आप आपको इसमें तो मुझे नहीं लगता. फ्रांस के रेवोल्यूशन की डेट 14 जुलाई 1789. क्या वुमेन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी इन दिस रेवोल्यूशन? यस, वुमेन वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस रेवोल्यूशन बिकॉज बेस्टाइल फोर्ट वाज स्टॉर्म्ड बाय वुमेन. बेकरी शॉप्स को आग लगाने वाली कौन थी? वुमेन. वुमेन वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस रिवोल्ट. आपको पूछा जा सकता है व्हाट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस रिवोल्ट, तो आपको पीपल ऑफ फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, फिर साथ में आपको पीजेंट्स,
एंड वुमेन पीजेंट्स तो क्विट कर गए थे ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज रिवोल्ट वाज कैरी फॉरवर्ड बाय हम खुद ही कहते हैं बाय फिलोसफर्स तो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स मैं पूछ रही हूँ पर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स आउट ऑफ दीज क्योंकि फर्स्ट सेक्युलर स्टेट तो चाहती नहीं कि रिवोल्ट आए पीजेंट्स क्विट कर चुके थे तो ऊपर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस रिवोल्ट वुमेन वुमेन वर द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस रिवोल्ट तो इस वे से आप इस इन चैप्टर्स को लर्न करो ठीक है और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क बाकी पेपर में मैच सीक्वेंस ऑर्डर एंड असर्शन रीजन एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन ओनली फ्रॉम चैप्टर क्लास नॉट फ्रॉम